के व्लॉग विद ज़ुबैर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा जी, ये बॉलिंग पार्क है, आप देख सकते हैं। ये जो पिछले मेरे व्लॉग हैं, हॉटन पार्क और लिस्टर पार्क आपने देखे होंगे। अपना हॉटन पार्क जो है वो, और लिस्टर पार्क, ये उनकी हॉटन पार्क के बराबर में कह सकते हैं बॉलिंग पार्क को, मगर लिस्टर पार्क जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी पार्क है। चलिए, ये जो इस तरफ मैं आपको एक चीज़, ये जो है ये इन्होंने अपने यहाँ पे फॉर्म बनाए हुए हैं, इस तरह ये यहाँ पे सब्जियाँ, फल फ्रूट, इस जगह ये आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंदर तो अलाउड नहीं है जाना, तक वो परमिशन नहीं देते। ये बाहर से आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़, ये जो आपको अंदर नज़र आ रही ये हैं यहाँ पे फल सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह जो है ना इस तरफ, और ये इस तरफ भी ये इनके पर्सनल लिए हुए हैं, क्योंकि फल सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे जो है ना उगाते हैं। फिर यहाँ से फिर डेफिनेटली ये सेल भी करते होंगे। और ये यहाँ पे गंदम, ओहो हो, ये तो बेद भी मिशमार होता है इसका। यहाँ पे गंदम इस तरह कोई फेंक के जाए, ये अक्सरियत इसलिए फेंक के जाते हैं परिंदों की वजह से, जो कि परिंदे खाएं। यहाँ पे कबूतर वगैरह हैं, ये यहाँ पे पाँव में आ रहे हैं, ये इसलिए इन्होंने यहाँ पे, ये जगह सही नहीं है यहाँ पे जिस तरह इन्होंने फेंकी है, इस तरह इनको नहीं करना चाहिए था। ये देखें, क्योंकि ये ताज़ीम नहीं है, रिज़िक है, तो इनको एक साइड पे, यहाँ वैसे अलाउड भी नहीं है कि आप परिंदों के लिए इस तरह आके फेंक दें, मगर हमारे लोग होते हैं कुछ लोग जो कि आके इस तरह फेंक देते हैं। अब जिस तरह ये फेंकी हुई है इधर यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मौसम काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी मौसम अच्छा है। एक पिछला मेरा व्लॉग था जो लिस्टर पार्क का, पीछे देख सकते हैं कि कितना पीछे रह गए हम। यहाँ से एंट्रेंस देखें, एंट्रेंस काफ़ी पीछे है, इसकी भी थिंक 1 2 3, इसकी भी काफ़ी एंट्रेंस, पार्क की हर तरफ से एंट्रेंस होती है यहाँ पे, वॉकिंग के लिए ही होती है, जिसको जहाँ से नज़दीक लगता है, मतलब जिसके घर के पास या जिसकी गली के पास जिसको एंट्रेंस करीब या नज़दीक लगती है वो वहाँ से एंटर होते हैं। ये मिडिल में आपको ये नज़र आ रहा है येलो लाइन, देखिए आप इसके ऊपर आपको निशान नज़र आए, तो ये साइकिल का निशान है। अब दूसरी तरफ, दोनों तरफ देख लें आप, ये सीधा जा रहा है, ये एंड तक ये साइकिल का निशान है। यहाँ से साइकिल जाएगी, साइकिल वाले इस लाइन से जा सकते हैं, और जो वॉक करेंगे वो यहाँ से, और ये दोनों लाइन वॉक करने वालों के लिए। आगे और भी काफ़ी आगे प्ले ग्राउंड है बच्चों का, जैसे नॉर्मली मैं पहले आपको बताता हूँ कि इन्होंने हर जगह हर पार्क के अंदर इन्होंने बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए वो हर तरह से ख्याल रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे आए और वो खुश हो के ही जाए। ये देखें, ये एक रास्ता यहाँ से, ये यहाँ एक दूसरी तरफ से आता है, ये रास्ता है एक, ये यहाँ एक रास्ता है, और इधर आगे वो सामने थोड़ा सा आगे अगर जाएँ तो बच्चों का वही प्ले ग्राउंड है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। हम देख सकते हैं दरख्त ही दरख्त हैं हर जगह, ये सारी एरिया आपको दूर दूर तक ये देखें नज़र आ रही होगी, ये सारी पार्क की एरिया है। एंड तक अगर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये रोड की दूसरी तरफ आ जाएगी। यहाँ पे भी अभी काफ़ी हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं, ख़राब से ये कि COVID-19 के बाद यहाँ पे काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं, क्योंकि अभी जैसे पहले बजट देते थे उस तरह बजट
नहीं दे रहे। वो रीज़न ये है कि क्योंकि इनका मानना है कि कोविड में हमने बहुत ज़्यादा जो है जब लोगों को घरों में बंद किया गया 6 6 महीने 8 8 महीने साल के लिए, तो हमने यहाँ गवर्नमेंट देती थी, यहाँ गवर्नमेंट ने सबको दिया है, और घर बैठे हुए होते तो लोग उनको घरों में उनको देते रहे हैं। तो उसके बाद ये काफ़ी यहाँ पे जो है चेंजिंग्स आई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई सामने आ गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्लेग्राउंड है, ये है, यहाँ पे भी बच्चे खेल रहे हैं। ये बैठने की जगह यहाँ भी इन्होंने बनाई हुई है, हर जगह इन्होंने बनाई होती, बेंचेस होती हैं हर जगह जहाँ पे वो जो भी आते हैं पार्क में, वो लोग आके यहाँ बैठते हैं अपना टाइम गुजारते हैं। ये रास्ता भी देखें दूर तक जा रहा है, ये भी है। ये आपको एक और चीज़ यहाँ नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये अभी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये फुट स्टेप है, ये पाँव का निशान है छोटा सा, और ये इन्होंने बनाया हुआ है कि ये रास्ता है यहाँ से जा रहा है। ये देखिए, ये भी मौसम अभी ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अभी आपको व्यू दिखाएं, ये देख लें आप भी, माशाल्लाह पाक। चलें जी, आज आपको इस पार्क का भी थोड़ा सा विज़िट करवा दिया है, तो इंशाल्लाह मेरी बेस्ट ट्राई होगी कि अब जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं कंट्री साइड, जैसे बाहर साइड होती हैं विलेजेस की तरह और टाउन से बाहर होती हैं जो, वो सरसब्ज और शादाब होती हैं, काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है। मैं जैसे कि पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब तक जो है ना अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आप सब तक मेरी नई वीडियोस आती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम।